मैं डॉक्टर हरि प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग। इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ इस कक्षा के संचालन में संस्थान द्वारा जो महत्वपूर्ण पठन पाठन के उद्देश्य से निर्वहन किया जा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक पंक्ति बरबस ही याद आती है, नैन डीठ यूं दिया बराई, यदि आंखों में प्रकाश न हो तो दीपक जलाना व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया यह ऑनलाइन क्लासेज तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप सभी बच्चे अनुशासन और संयम के साथ शांत वातावरण में पठन पाठन को सुचारू रूप से अध्ययन नहीं करेंगे। मैं आज आप लोगों को BA पार्ट 1 के विषय संबंध में जानकारी व्याख्यान दूंगा। आपका प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन काव्य मंजूषा है। काव्य मंजूषा है, और सेकेंड पेपर गद्य है। प्रथम प्रश्न पत्र में दो हिंदी साहित्य के दो वर्गों के कवियों को रखा गया है। प्रथम वर्ग में मध्यकाल और द्वितीय वर्ग में उत्तर मध्यकाल के कवि आते हैं, और मध्यकाल सबसे पहले किसी काल को समझने से पहले उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक होता है। इसलिए सबसे पहले हम मध्यकाल के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। भक्तिकाल के संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का विचार था कि जिस युग में सूर तुलसी कबीर जायसी जैसे कवियों व संतों की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली, वह काल हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल या भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल के भक्तिकाल के संदर्भ में अन्य कवियों के भी विचार थे कि भक्तिकाल ऐसा काल था, भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता है। भक्तिकाल के पश्चात भक्ति काव्य के संदर्भ में कहा जाता है कि भक्ति एवं धर्म की केंद्रीयता के बावजूद महज पूजा पाठ ध्यान उपासना या इहलोक के दुखों से मोक्ष पाते हुए परलोक में सुख का संदेश देने वाला काव्य नहीं है, बल्कि सामाजिक अन्याय के विरोध में मानवीय न्याय के पक्ष में एक उन्नत मूल्य व्यवस्था की स्थापना करने वाला काव्य ही भक्ति काव्य कहलाता है। चूँकि भक्तिकाल के संदर्भ में इन कवियों का जो सराहनीय योगदान रहा उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। मध्यकाल या भक्तिकाल, मध्यकाल का हर रचनाकार अपने अपने स्तर से टकराता है। टकराने से एक रचनात्मक ऊर्जा पैदा होती है। वह रचनात्मक ऊर्जा महात्मा कबीर के यहाँ
रूढ़ियों, आडंबरों, पूर्वाग्रहों व मानों के बीच मतभेद के संदर्भ विरोध में खड़ी होती है। सूफी कवियों के मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ व हिंदू मुस्लिम संस्कृत की टकराहट में दिखलाई पड़ती है और गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ वह वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध में दिखलाई पड़ती है और महात्मा सूरदास जी के यहाँ वह सामंती एवं पारिवारिक ढांचे को तोड़ते हुए दिखलाई पड़ती है। इन विरोधों के परिप्रेक्ष्य में इन कवियों ने, यानी भक्ति काल के कवियों ने एक यूटोपिया विकसित की। वह यूटोपिया महात्मा कबीर के यहाँ ज्ञान योग के रूप में, जायसी जी के यहाँ सिंगल गढ़ के रूप में, तुलसी के यहाँ वह राम राज्य के रूप में दिखलाई पड़ती है और महात्मा सूरदास जी के यहाँ वह ब्रज की संस्कृत के रूप में दिखलाई पड़ती है। इन कवियों ने इन विचारों के द्वारा सदियों से चली आ रही समाज की सामाजिक स्तर को उठाने का प्रयास किया। यानी जहाँ आदिकाल में सामाजिक स्तर पूरी तरह से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से दबी हुई चली आ रही थी, वहाँ इन कवियों ने उसको उच्च स्तर प्रदान करने की कोशिश की। यानी आदिकाल में जहाँ स्त्रियों को क्रय विक्रय व विलास की वस्तु समझा जाता था या उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, ऐसे परिवेश में भक्तिकाल के कवियों ने सबसे पहले नारी को ही उच्च स्तर प्रदान किया। कबीरदास जी के यहाँ नारी पतिव्रता के रूप में पूजी गई। नारी के उस त्याग और समर्पण के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पतिव्रता नारी की सराहना करते हुए कहा, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के प्रेम पर वारो कोटि स्वरूप। वही सूफी कवियों के यहाँ नारी ब्रह्म के रूप में स्वीकार की गई और प्रेम के उस स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। यानी सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम व्यंजना को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसलिए भक्तिकाल में चार प्रमुख कवि आते हैं। भक्तिकाल के चार प्रमुख कवि हैं, प्रथम महात्मा कबीरदास, दूसरे मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरे कवि गोस्वामी तुलसीदास और चतुर्थ कवि महात्मा सूरदास जी को रखा गया है। सूरदास जी हैं। अब भक्तिकाल के नाम को लेकर भक्ति काव्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होने के बाद अब आगे हम भक्तिकाल के समय पर चलते हैं, क्योंकि किसी भी काल का जो नामकरण के पश्चात जो दूसरा परिचय होता है वह समय विशेष से ही लिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया।
इतिहास के काल विभाजन को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में अलग अलग विचार रहे। जहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल स्वीकार किया, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर के 1375 तक माना है। आदिकाल के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा काल आया वह मध्यकाल या भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय संवत 1375 से लेकर के 1700 स्वीकार किया है और इतिहास के तीसरे काल में उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल आता है जिसका समय संवत 1700 से लेकर के 1900 तक माना जाता है और चतुर्थ काल आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है जिसका समय संवत 1900 से लेकर अब तक स्वीकार किया जाता है। यानी समय के पश्चात यानी भक्तिकाल या उत्तर मध्यकाल का समय संवत 1375 से लेकर के 1700 तक माना गया। आगे इतिहास के नामकरण के साथ काल विभाजन के साथ शुक्ल जी ने भक्तिकाल के स्वरूप की भी चर्चा की। यानी विभिन्न इतिहासकारों के बीच भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास के संदर्भ में जो धारणा या मत था वह युगानुरूप युग के अनुकूल माना गया। उनका मानना था कि जैसे जैसे इस्लाम का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे धीरे धीरे भक्तिकाल का उदय प्रारंभ हुआ। यानी भक्तिकाल का समय पूर्ण रूप से उन्होंने इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण ही स्वीकार किया है। इतिहास की परिभाषा देते हुए आचार्य शुक्ल ने स्पष्ट किया था कि इतिहास जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी जैसे जैसे जनता के चित्त वृत्ति में परिवर्तन होगा वैसे वैसे इतिहास का स्वरूप भी बदलता हुआ चला जाएगा। यानी जनता के चित्त वृत्ति का जो संबंध वह राजनीतिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे भक्तिकाल के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को दो कालों में विभाजित किया। प्रथम काल निर्गुण काव्यधारा और दूसरा सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा यानी संत कवियों ने, यानी निर्गुण काव्यधारा के कवियों को संत कहा जाता था और इन कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना, नि माने निराकार, गुण माने गुण, निर्विकार यानी निराकार ईश्वर के गुण की आराधना की। जहाँ सदियों से धर्म और धर्म के नाम पर लोगों को मानसिक शोषण किया जाता था वहीं रूढ़िवादी व्यवस्था आडंबरों रूढ़ियों पूर्वाग्रहों को समाप्त करने के लिए ही निर्गुण काव्यधारा के संतों ने निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया। जिनका न कोई रूप है न आकार है न रंग है वह इनका मानना था कि ईश्वर परमात्मा आत्मा परमात्मा का अंश होता है और यह ईश्वर कण कण में व्याप्त होता है। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। यानी एक ऐसा ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, इसके निमित्त उन्होंने भाव व्यक्त किया था, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काव्य कैलाश में मुझको कहाँ रे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
यानी ईश्वर हर मानव के हृदय में विराजमान है, क्योंकि हमेशा हृदय में जब कलुषित विचार आते हैं तो कलुषित विचार को दूर करने के लिए एक अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, यह गलत। यानी सबसे पहले हमें बुराइयों से आगाह करने की जो अभिव्यक्ति है वह ईश्वर का ही प्रतिरूप माना जाता है। निर्गुण काव्यधारा के संतों ने दो भागों में इस काव्यधारा को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाई, ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा से तात्पर्य ज्ञान को आधार बना करके ज्ञानाश्रयी शाखा के संतों ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान ही मानव के जीवन में, ज्ञान ही एक ऐसे भाव है जिससे कलुषित विचारों को दूर किया जा सकता है। ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में महात्मा कबीरदास जी का एक दोहा प्रचलित था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। यानी जैसे ही ज्ञान का प्रभाव पड़ता है वैसे ही हृदय के जो कलुषित विचार होते हैं वह स्वतः ही दूर हो जाते हैं। यानी ज्ञान के प्रभाव के कारण ही हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, विकार, ईर्ष्या, द्वेष, यानी यह जब विकार दूर हो जाते हैं तो हृदय में ज्ञान और प्रेम का स्थान बन जाता है। कहा जाता है कि निर्गुण काव्यधारा के कवियों के प्रयास से ही जब ज्ञान की आंधी आई और समस्त मानव समाज का हृदय प्रेम से डूब गया। कहा जाता है कि ज्ञान और प्रेम के बिना मानव का जीवन एक मुट्ठी छार के समान होता है। यानी मानवीय जीवन पा करके अगर हृदय में ज्ञान और प्रेम न हो तो वह जीवन निरर्थक माना जाता है। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में महात्मा कबीरदास जी, रैदास, दादू दयाल, नानक, अन्य कवि आते हैं। महात्मा रैदास जी का मानना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ा त्याग है। अगर मन स्वच्छ है तो उसमें विचार हमेशा स्वच्छ ही होते हैं। और दूसरी तरफ ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख रचना बीजक मानी जाती है। कबीरदास जी ने, महात्मा कबीरदास जी जो अनुभव किए उसको अपनी वाणी में अभिव्यक्त किए। उनका मानना ही था मसि कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी वह किसी पाठशाला की चारदीवारी में कैद होकर के अध्ययन नहीं किए, बल्कि उन्होंने संत समाज के साथ रह करके जीवन के दुख सुख को देखा और जीवन के सदियों से चली आ रही इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए ही ज्ञान के आश्रय को स्वीकार किया। और ज्ञान के माध्यम से ही जाति पात, ऊंच नीच, अन्य समस्याओं से या रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। धर्म का विधर्म पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने विचार व्यक्त किया था, केसो कहाँ बिगाड़िया जय मोड़े सौ बार, मन को काहे न मूड़िए जासो बसे विकार। उनका मानना था कि बार बार केस को मुड़ा लेने से मन शुद्ध नहीं होता है। मन की शुद्धता तो जो है हृदय के भाव की अभिव्यक्ति होती है, हृदय को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। और आगे उन्होंने अपनी बीजक रचना को, उनकी महत्वपूर्ण रचना बीजक रही, उनकी दोहों का संग्रह जिसको तीन भागों में विभाजित किया गया, साखी, सबद, रमैनी। साखी आखी ज्ञान की, यानी साखी में ज्ञान की चर्चा की गई। सबद गुरु महिमा का वर्णन किया गया, क्योंकि संत कवियों का मानना था कि बिना गुरु की कृपा से ज्ञान और प्रेम के भाव को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन कवियों ने ज्ञान और गुरु को
ग्रहण करने का प्रयास किया। इन कवियों में ग्रहण करने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा, यानी प्रेम की शाखा, यानी प्रेम की प्रधानता। ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रेम की प्रधानता पाई जाती है। प्रेम के माध्यम से सूफी कवियों ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम व्यंजना को रखने का प्रयास किया, जिससे वह माया से निकल करके प्रेम के उस रस में सराबोर करना चाहते थे जहां मानव अपने जीवन की एक अन्यतम ऊंचाई को प्राप्त कर सके। आगे इस काल की महत्वपूर्ण रचना, महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी, कुतुबन, मंझन आदि विशेष हैं। इनके द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी जी की महत्वपूर्ण काव्य कृति हिंदू मुस्लिम संस्कृत का दस्तावेज कहलाती है। पद्मावत हिंदू मुस्लिम संस्कृत का दस्तावेज कहलाती है। और इसमें उन्होंने प्रेमाख्यानक काव्यों, मुसलमान कवि होकर भी प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की। और भक्ति काल के बाद दूसरा जो काल इसमें आया वह उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल का समय संवत 1700 से लेकर के 1900 तक माना जाता है। इसमें 1900 तक माना जाता है। इसमें श्रृंगारिकता को विशेष महत्व दिया गया, यानी रीति काल में श्रृंगारिकता और चमत्कार की प्रधानता पाई जाती है। भक्ति काल की तरह उत्तर मध्य काल या रीति काल को समझने के लिए उसके सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं। कहा जाता है कि उत्तर मध्य काल में समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग राज दरबारों से जुड़ा हुआ था। मध्य वर्ग, निम्न वर्ग वह अपने पेशे से जुड़ा हुआ था, यानी मध्य वर्ग के पास ही अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई ऐसे साधन नहीं थे जिससे वह जीवन का निर्वहन कर सके। इसीलिए मध्य वर्ग के ही व्यक्ति पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के वह राज दरबारों से जुड़े, और राज दरबारों में भी इन कवियों का, यानी मध्य वर्ग के जो कवि हुए उनके भी तीन वर्ग दिखलाई पड़ते हैं। ये रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति का प्रारंभ सर्वप्रथम काव्यांग निरूपण के परिप्रेक्ष्य से ही किया गया। काव्यांग निरूपण यानी काव्य के विभिन्न अंगों को, रस छंद अलंकार को पूरी तरह से काव्यशास्त्रीय रूप में रख करके लक्षण ग्रंथों को रूप में रखा गया। इसीलिए और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने काव्यांग निरूपण के परिप्रेक्ष्य में लक्षण ग्रंथों की रचना किए, और इन्होंने इनके काव्य का जो उद्देश्य रहा वह रस छंद अलंकार
नायिका भेद और उपभेदों को अपने काव्य में प्रस्तुत करना। इस धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों के साथ साथ पूरी तरह से वह पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार को ही प्रश्रय दिए। आचार्य केशव दास जी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे और उनके द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका वह रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख रचना मानी गई। इस धारा के प्रमुख कवियों में आचार्य केशव दास, देव, मतिराम, कुलपति मिश्र आदि प्रमुख कवि आते हैं। उस तत्पश्चात रीति काव्यधारा रीति सिद्ध कवि आए। रीति सिद्ध कवियों ने रीतिकालीन लक्षणों को न व्यक्त कर वह लक्षण और उदाहरणों के आधार पर अपने काव्य की रचना किए और इनके काव्य का मुख्य उद्देश्य रस छंद अलंकार का प्रयोग न कर श्रृंगारिकता के माध्यम से उन भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति करना रहा। इस काव्यधारित सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि महाकवि बिहारी लाल जी रहे, जिनकी महत्वपूर्ण रचना श्रृंगारिक रचना मुक्तक काव्य रचना बिहारी सत्सई रही। सत्सई के 719 दोहों के संग्रह में 610 दोहे श्रृंगारिक मिलते हैं, यानी 610 दोहे श्रृंगारिक होने के नाते ही इस काल में श्रृंगार की प्रधानता पाई जाती है। रीतिसिद्ध कवियों ने भाव पक्ष की प्रधानता के साथ साथ कला पक्ष को पूरी तरह से काव्य में रखने का प्रयास किया। ये सिर्फ श्रृंगारिकता को ही नहीं बल्कि अपने काव्य में भक्ति और नीति को भी प्रश्रय दिए। इसीलिए इनकी रचना श्रृंगार भक्ति एवं नीति की त्रिवेणी कहलाती है। बिहारी सत्सई के संदर्भ में एक सूक्त भी प्रचलित रही जो प्रसिद्ध रही। सत्सया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों में केशवदा अधिसिद्ध काव्यधारा के कवियों में बिहारी, बेनव, बेनी, नृपशंभु, पजनेश, हठी जी, राम सहाय राम आदि प्रमुख कवि आते हैं। इसके बाद रीत काव्यधारा की जो तीसरी काव्यधारा रही कवि रहे रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त का तात्पर्य ही परंपराओं के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त होकर। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने परंपराओं और बंधनों को पूरी तरह से तोड़ करके व्यक्तिगत हृदय की अनुभूतियों को अपने काव्य में रखने का प्रयास किया। और इन कवियों में प्रमुख रूप से आचार्य घनानंद जी का प्रमुख स्थान रहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतकाल के संदर्भ में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रीतमुक्त का धारा में चार वर्ग दिखलाई पड़ता है। रीतमुक्त स्वच्छंद कवि, रीतिमुक्त प्रबंध काव्य, रीतिमुक्त सूक्तिकार, रीतिमुक्त पद्यकार। यानी रीतिमुक्त जो स्वच्छंद काव्यधारा के कवि रहे वह अपनी रचनाओं में श्रृंगारिकता को पूरी तरह से रखने का प्रयास किए, लेकिन इनकी श्रृंगारिकता संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष इनके काव्य का उत्कृष्ट पक्ष रहा। यानी इस धारा के कवियों को प्रेम की पीर कहे जाते थे। यानी इस धारा के प्रमुख कवियों में प्रमुख कवियों में घनानंद जी का प्रमुख स्थान रहा। इनके द्वारा लिखी गई सुजान सागर महत्वपूर्ण रचना मानी गई। इस आलम केली रचना महत्वपूर्ण रही। बोधा, बिरह वारिस और इश्कनामा महत्वपूर्ण रचना रही। ठाकुर ठसक महत्वपूर्ण रचना मानी गई। और प्रबंध रचनाएं भी रीतमुक्त काव्यधारा में लिखी गई, जिसमें लाल कवि द्वारा छत प्रकाश, सूरत द्वारा सुजान चरित्र, सबल सिंह चौहान द्वारा महाभारत की रचना की गई।
तीसरे ऋतमुक्त काव्यधारा की जो सुक्तिपरक रचना कवि हुए उनमें घाघ, गिरधरदास, बैताल का प्रमुख स्थान आता है और रीति पद्यकार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया। एक कवि विरह वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को प्रमुख रूप से व्यक्त करते थे। अब आगे अगले ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप लोगों को उत्तर मध्यकाल में महाकवि बिहारी के व्यक्तित्व और कृतित्व के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करूंगा। धन्यवाद।